वेलकम टू स्टार जायज़ चैनल। टुडेज कुकिंग इज़ नान। मैं दो रकम की नान बताऊंगी आपको, एक ईस्ट के साथ और एक विदाउट ईस्ट। तो ईस्ट के साथ के लिए आपको 2 कप्स ऑफ ऑल पर्पज़ फ्लोर यानी कि मैदा, 1 कप ऑफ मिल्क, 1 कप ऑफ वार्म वाटर, 1 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट, 1 टीस्पून ऑफ शुगर और ये 10 ग्राम्स तक का ईस्ट है। और तेल, दूसरी नान के लिए 2 कप्स ऑफ मैदा, 1 कप ऑफ योगर्ट, 1 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, 1/2 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर, 1/4 टीस्पून ऑफ बेकिंग सोडा, 1 टीस्पून ऑफ शुगर और वार्म वाटर और तेल। बटर नान बनाने के लिए बटर, गार्लिक, ऑनियन सीड्स यानी कि कलौंजी और कोरिएंडर लीव्स। चलें जी, पहले ईस्ट वाली नान बना लेते हैं। वार्म वाटर में ईस्ट ऐड कर लें, इसी में शक्कर भी ऐड कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें, अच्छे से मिक्स कर लें। आटा ऐड करके वार्म वाटर में जो हमने ईस्ट ऐड किया था जो मिक्सचर, वो अभी ऐड कर दें। दूध भी ऐड कर लें थोड़ा सा, लिटिल एट अ टाइम। अब इसे अच्छे से गूंद लें, मिक्स कर लें अच्छे से। ये सॉफ्ट रहना चाहिए, हार्ड नहीं और बहुत सॉफ्ट रहना चाहिए, जिसे रोटी बनाते हैं उससे ज़्यादा सॉफ्ट रहना चाहिए। इतना गूंद लीजिएगा। अब इसमें ऑयल ऐड कर लें, अराउंड 2 टेबल स्पून। इसे अच्छे से मिक्स करें और इसे कवर करके 1 आवर के लिए छोड़ दें। बस हमें इतना सॉफ्ट गूंदना है, सॉफ्ट गूंद के इसे कवर करके रख दें 1 आवर के लिए। नेक्स्ट हम दूसरा डो बना लेंगे जो विदाउट ईस्ट बन रहा है योगर्ट के साथ। अब हम विदाउट ईस्ट वाला नान बना लेंगे, इसके लिए डो बना लेंगे। पहले आटा डाल लें, अब योगर्ट डाल लें, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर डाल लें। इसे योगर्ट में मिक्स कर लें, सॉल्ट ऐड कर लें और शुगर ऐड कर लें। अब ये भी योगर्ट में मिक्स कर लें। तेल ऐड कर लें, 2 टेबल स्पून ऑफ ऑयल और वार्म वाटर ऐड कर लें थोड़ा थोड़ा करके। अब अच्छे से ये मिक्स कर लें। मैंने थोड़ा सा ऑयल लगा के इसे रख दिया है। अभी ये भी बहुत सॉफ्ट है, बस ऐसे ही सॉफ्ट गूंदिएगा। अब ये हम 2 आवर्स के लिए छोड़ेंगे। जो विद ईस्ट है वो 1 आवर के लिए छोड़ेंगे और जो योगर्ट के साथ है विदाउट ईस्ट है वो हम 2 आवर्स के लिए छोड़ेंगे। मेरा आधा कप वार्म वाटर रह गया है, बच गया है। अभी मैंने ये कवर करके रख दिया है। ये योगर्ट वाला है और ये जो दूसरा है वो ईस्ट के साथ है। ईस्ट के साथ देखिएगा, अभी से दिख रहा है कि वो इसका प्रोसेस शुरू हो गया है। इट हैज स्टार्टेड टू रेज, ये पफ होना शुरू हो गया है, रेजिंग उसकी शुरू हो गई है। जो मैंने ईस्ट में डाला हुआ है, जो मैंने योगर्ट में बनाया हुआ है, वो अभी तक ऐसा ही है। ये 15 मिनट हो चुके हैं इसके, इसके अभी कुछ नहीं हुआ है। अभी 2 मिनट हुए होंगे इसके। ये मेरा ईस्ट का है जो अच्छे से रेज हो चुका है आटा, और ये मेरा योगर्ट का है, ये भी अच्छे से रेज हो गया है, इसका साइज डबल हो गया है। अभी हम फर्स्ट ईस्ट का नान बनाएंगे, फिर योगर्ट वाला नान। ये ईस्ट का आटा है,
मैं अभी ये ईस्ट के नान बनाने लगी हूँ। एक छोटा सा बॉल ले लीजिएगा, नान की शेप में इसे रोल कर लें। गार्लिक डाल लें और थोड़ी सी कलौंजी डाल लें और थोड़ा सा कोरिएंडर लीव से लेके धनिया पत्ता। अब अपना रोलिंग पिन लेके इसके ऊपर ना हल्के हाथ से रोल कर दें कि ये अंदर बैठ जाए। ग्रिल पे ऐसा स्टोव के ऊपर ऐसा रख लें और इसे हल्के से ऐसा घुमाइए। मैं दो तरीके से दिखाऊंगी आपको, एक ग्रिल में पकाते हुए और दूसरा तवे पे। फ्लेम मेरी हाई पे है और देखिए मैं हिला रही हूँ, हिलाते हिलाते बना रही हूँ। ये देखिए इसके बबलिंग्स देखिए ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं। अगर आपके पास आयरन वाला तवा नहीं है, ऐसा ग्रिल है जिस पे हम बारबेक्यू सब करते हैं, आप उसी से भी कर सकते हैं। अच्छे से चारों तरफ पका लीजिएगा, घुमा घुमा के पका लीजिएगा। पहले नीचे पका लें, फिर इसके बाद में टर्न करके ऊपर से बना पका लें। अभी मैं इसे टर्न कर दूंगी, टर्न करके हम दूसरी तरफ से पका लेंगे। ये देखिए बहुत ही इजी से बन जाता है घर पे भी नान। ये ईस्ट की रोट नान वाली है, ईस्ट वाला नान है। ये देखिए हमारा बन चुका है। अभी इसके ऊपर आप बटर डाल दें, अच्छे से बटर से ग्रीसिंग कर दें इसके ऊपर। इसके बबलिंग्स देखें कितनी अच्छे से बनी है। अभी मैं नेक्स्ट आपको जो योगर्ट में हम आटा गूंदे थे नान के लिए, हम वो वाली नान बनाएंगे। ये योगर्ट वाला है, ये भी इसका भी साइज डबल हो चुका है, अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। अभी ये भी हम एक बॉल साइज आटा लेंगे, फिर इसे हम नान की शेप में बेल लेंगे। इसे भी एक शेप दे लीजिएगा। और मैं इसमें गार्लिक नहीं ऐड करूँगी, ये मैं विदाउट गार्लिक डालूँगी, सिर्फ कलौंजी और हमारे धनिया पत्ते के साथ। और इसे हल्के से बेल लूँगी कि ये इसमें चिपक जाए। इसके बाद मैं तवे पे डाल के दिखाऊंगी। अभी आप इसे टर्न कर लें, टर्न करके इस पे आप थोड़ा सा पानी लगा लें, थोड़ा ज़्यादा ही लगाइए क्योंकि इसे है ना तवे पे चिपकना चाहिए ये। और ये नॉन स्टिक तवे पे नहीं चिपकेगा, नहीं बनेगा। आपको अगर नान बनाना है तो आयरन का ही तवा यूज़ करना पड़ेगा। अगर नहीं है आयरन का तवा तो आप जो मैंने दूसरा मेथड दिखाया था आपको ग्रिल वाला, तो ग्रिल वाला मेथड यूज़ कर लीजिएगा। अभी ये आप तवे पे शिफ्ट करते हैं, तवे पे रख दिया है और फ्लेम हाई पे है और इसकी भी बबलिंग्स शुरू हो चुकी हैं। ये देखिए इसकी भी बबलिंग्स शुरू हो चुकी हैं। अभी ये तवे को ऐसे टर्न करें, टर्न करके ऐसे घुमाइएगा, घुमा घुमा के पकाइए। ये देखिए कितने अच्छे से फूल रहा है। फिर टर्न करके पकाइए। इसे चिमटे के इससे निकाल के यहाँ पे रखिए और मैं इसके पीछे का भी हिस्सा दिखाऊंगी। ये देखिए वाओ। अभी बटर लगा दें, गर्म पे ही लगा दें जल्दी जल्दी से। ये मेरी ईस्ट की गार्लिक नान है जो मैंने
बारबेक्यू के स्टव पे डायरेक्ट बनाया था, इसका पीछे का और इसमें आगे का देखिएगा। और ये योगर्ट वाला नान है जो मैंने तवे पे बनाया था, ये इसके पीछे का है और आगे का। इस दोनों का शेप बढ़िया है, दोनों का टेस्ट बढ़िया है और दोनों की जो क्रिस्पीनेस है वो भी बढ़िया है। आपको जिस टाइप की चाहिए तो आप उस टाइप की बनाइए, विदाउट ईस्ट या विद ईस्ट, जो चाहे आप वैसे बनाइए। प्लीज़ आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, फीडबैक ज़रूरी है। एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।